तिलकवाड़ा तहसील के काला घोड़ा गांव में राशन वितरण को लेकर दुकानदार और ग्राहकों में हुई बहस और केवड़िया सर्कल पुलिस स्टाफ द्वारा जरूरतमंद लोगों को अनाज वितरित किया गया। जी हां, नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा तहसील के काला घोड़ा गांव में सस्ता राशन की दुकान पर दुकानदार और ग्राहकों में आपस में बहस हो गई। दुकान में राशन कम होने से लोगों को जरूरी राशन ना मिल सका, जिससे तिलकवाड़ा तहसील के नायब मामलतदार को घटना स्थल पर आना पड़ा और गांव की लोगों की बात सुनी। गांव के लोगों ने लिखित में आवेदन पत्र दिया है, जिसको लेकर नायब मामलतदार ने उनकी यह समस्या जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया है। हाँ, हूँ अरविंद भाई देवा भाई तड़वी, गांव डाबेर नो वतनी छू। काला घोड़ा सस्ता अनाज नी दुकान मा कार धारक छू अने मने 1-3 तो छू 15 तारीख सुधी माल मलेल नथी अने आगली फेब्रुआरी थी पण माल नथी मळेलो। 3 महीना थी मरतो नथी, गाँव मले तो चोखा नहीं मरता, चोखा मले तो गम नहीं मरता। अने पछी आ 1-3 मा माल आपने ए हतो सरकार नो नियम, ते भी आज 15 तारीख थई गई माल मरतो नथी। हजु अमने एवुं कहे छे के 20-22 तारीख थशे तो तमने माल मळशे, तो पछी अमारे शुं करवानुं हवे, क्यां लेवा जवानुं? लॉकडाउन मां पुलिस वाळा भाई चोकड़ी छेकवा नथी देता, मार दंड लईने पड़े छे, तो पछी लेवा कई जवुं अमारे? आज रोज अमने गाम लोग तरफ थी अरजी रजूआत मळे छे, ए रजूआत पर वहीवटी तंत्र जल्दी जल्दी निकाल आई जाए लोगों की समस्या, एनी माटे प्रयत्नशील छे, अने जल्दी थी जल्दी अमने एमनी रजूआत नुं निराकरण आवी जाय एनी माटे तंत्र। वहीं दूसरी ओर नर्मदा पुलिस अधीक्षक की सूचना अनुसार कोरोना वायरस की महामारी के चलते हुए नायब पुलिस अधीक्षक केवड़िया विभाग के मार्गदर्शन द्वारा आज रोज केवड़िया सर्कल के विस्तार केवड़िया कोठी भीड़ पहाड़ गमोड़ गांव के जरूरतमंद दिव्यांगों और वृद्ध व असहाय 29 परिवार के लोगों को व जंगल सफारी पार्क में काम कर रहे राजस्थान के 6 मजदूर परिवार को केवड़िया सर्कल पुलिस स्टाफ द्वारा अनाज वितरित किया गया। नर्मदा गुजरात से इंडिया खबर लाइव संवाददाता गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट।